अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास बहुत सारा सोना है लेकिन मैं गरीब हूं, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास बहुत सारे डायमंड भी हैं, मेरे पास पूरी खान है डायमंड की लेकिन मैं बहुत गरीब हूं, तो क्या आप मानेंगे? ऐसा क्या हुआ कि जिनके पास पूरी दुनिया का 40% रिजर्व है गोल्ड और डायमंड का, वो इतने गरीब है कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है? सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस वीडियो में। और आज हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे कि ऐसा क्यों है कि इतने बड़े मैप में एक इतना बड़ा हिस्सा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जिनके पास कि ये बताया जाता है कि तमाम इनके पास मिनरल्स हैं, तमाम इनके पास जेम्स हैं, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें हैं इनके पास, और बावजूद उसके इतना गरीब कोई कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है? और इतने सारे देश हैं और गरीबी का अंदाज़ा तो आप इतना ज़्यादा कि आप लगा भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में चलूँ तो इतिहास में आप पाएंगे कि 15th century से पहले पहले दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट लोग थे उनकी अगर सूची निकाली जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहे हैं जिनके पास जो है वो संपत्ति का कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत अमीर आदमी। पूरी दुनिया भर में अपनी अमीरी का परचम लहराने वाले लोग जो है वो रहे हैं 15वीं शताब्दी से पहले पहले की ये बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज़ का, जब जब यहाँ पे इन्वेजन बढ़ने लगा तब तब यहाँ के जो लोग थे उनके अंदर गरीबी जो है वो बढ़ती चली गई। उसके कई सारे फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी UPSC प्रिपरेशन के अंदर, जहाँ पर आप जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 15th century से पहले पहले काफ़ी अमीर थे यहाँ के लोग, धीरे 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 यहाँ की अमीरी घटती चली गई और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि वैसे अगर देखा जाए ऑल एंड ऑल, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो गाइस पूरी दुनिया में जो सोना और जो हीरे हैं उनकी जो खाने हैं उसका 40% जो है वो अकेला जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रखता है अपने पास। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा सोना है डायमंड है फिर भी मैं गरीब हूँ तो क्या आप मानेंगे? तो ये मानने वाली बात लगती नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं लगती है। तो क्या है वो वजह है जिनसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इतना गरीब है? तो सबसे पहली वजह आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मेरा मतलब है सरकारें नहीं टिकती। मतलब आज एक सरकार है उसकी कोई गारंटी नहीं है वो 6 महीने रुकेगी या फिर 1 साल रुकेगी या 2 साल रुकेगी, बार बार सरकारें बदलती रहती हैं। देखिए जब हमारे यहाँ पर अभी पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। मोदी जी की सरकार लगातार 10 साल से सत्ता में बनी हुई है और एक मेजोरिटी वाली सरकार है, सरकार गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो गवर्नमेंट जो अच्छे फैसले लेने हैं वो ले पाती है। वो बात अलग है वो सबके फायदे में है नहीं है, वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन गवर्नमेंट फैसले अगर लेना चाहे तो वो ले सकती है देश हित में, अगर वहाँ की सरकार स्टेबल है तो। अब अगर मैं यहाँ पे गिनी बिसाओ की बात करूँ, ये आइवरी कोस्ट की बात करूँ, नाइजीरिया की बात करूँ, यहाँ पर सरकारें टिकती ही नहीं हैं, लगातार बार बार सरकारें बदलती रहती हैं। जो भी इंसान आएगा वो फिर देश की कम सोचेगा और जो भी संसाधन है वहाँ पर, जो भी चीज़ें वहाँ से निकलती है वो उसको अपने ही बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा, यहाँ तक कि बिजली पानी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश नहीं करेगा, सब चीज़ों को जेब में ही डाले जाएगा, ठीक है। वो हर चीज़ को जेब में डाले जाएगा और जो इंसान वहाँ के पीस रहे हैं वो पीसते ही रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है करप्शन। तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस लेवल का करप्शन क्यों है? इससे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो इससे कनेक्टेड है। सरकार जब तक स्टेबल नहीं होगी उसके जो भी लोगों को पता है हम सत्ता में 6 महीने के लिए हैं तो जितना हो सके लूटो, लूट के खा लो, वो लूट को खाने लूट कर खाने वाली बात की वजह से ही जो धन निकलता है जमीन के नीचे से, जो हीरे चांदी सोना निकलता है वो शायद उन लोगों तक पहुंचता नहीं है जो लोग उसके हकदार हैं। कमाल की बात तो ये है कि लोग हर रोज काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, सोने की खान से सोना निकालते हैं और उस सोने का उनको 1% भी नहीं मिलता। अगर ऐसा कहते हैं 1% भी मिले ना तो भी ये लोग अमीर हो जाएं, लेकिन 1% भी नहीं मिलता, वो मिलने वाले जमाने चले गए। तो पहले तो यूरोपियंस ने खूब लूटा, उसके बाद मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि इन लोगों ने इतना विरोध ही नहीं किया इन दोनों चीज़ों के खिलाफ, करप्शन और ये सब के खिलाफ बेचारे पिसते रहे
बाद में जब लेट 50s 60s 70s का जब टाइम आया तो इन लोगों का जब सब्र टूटा तो इन्होंने खुद को आजाद कराया कई सारे देशों ने मिलकर के, लेकिन तब तक वो जो मेंटेलिटी थी लोगों के अंदर वो एक जो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो घर कर चुका था, और उसी घर की वजह से बाद में भी जो रूलर आए, जो बाद में प्रेसिडेंट आए, पीएम आए, जो भी सरकारें आई, उन्होंने लोगों की उसी कंडीशन का बेनिफिट उठाया और उनको ऐसे ही वो लूटते चले गए। उसके बाद करप्शन, ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो करप्शन को जन्म होगा। इससे पहले की सरकारें, अगर आप इंडिया की भी देख लो, सरकारें जब जब ऐसी आई हैं जो मेजोरिटी की सरकारें नहीं रही हैं, तो उनमें आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं। खूब अखबारों में सुर्खियों में चीज़ें आती कि फला मंत्री ने मिनिस्टर ने ये घपला कर दिया, ये घोटाला कर दिया। वजह क्या है? क्योंकि स्टेबल जब तक सरकार नहीं होगी, एक आदमी के हाथ में पूरी पावर अच्छे से नहीं होगी, वो किसी को कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता। वही हालात जो है वो यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर देखे जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका कारण है, अब इन दो चीज़ों की वजह से एक और नई चीज़ निकल करके आती है, डेब्ट माने कर्जा। ऐसे कहते हैं कि पूरी अफ्रीकन जीडीपी को भी अगर आप काउंट कर लो, जितनी उनकी टोटल जीडीपी है उससे अधिक तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर कर्जा है। अकेले इंडिया ने भी $11 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा दे रखा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, अलग अलग कंट्रीज़ को। और सबसे ज़्यादा कर्जा देने वाला जो देश इनको है वो है चाइना। $20 बिलियन का कर्ज अकेले चाइना का ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है। मतलब ये सब कुछ अपना दे दें तो भी इनका कर्ज दूर नहीं होगा, लेकिन जो नेता हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और जो एक बार इस डेब्ट के चक्कर में है, अब ये चुकाते रहेंगे। और इनके जो जो भी संसाधन हैं, जो भी यहाँ रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर दूसरे देश तो इनको कर्ज देते हैं, वो अपना धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा वो पूरा कंट्रोल ले लेंगे, ठीक है, जैसे श्रीलंका के साथ भी हुआ। चाइना ने जो है वो श्रीलंका को बहुत सारा जो है लोन दिया, अब धीरे धीरे हम्बनटोटा जैसी जो वहाँ के पोर्ट हैं उनको वो अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी में चाइना, ठीक है। तो वही डेब्ट का जो जाल है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी घेरे हुए है, उनको इस गरीबी से निकलने नहीं दे रहा है। उसके बाद आता है एक बहुत बड़ी वजह, कन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि आए दिन यहाँ पर सरकारें टूटती रहती हैं, मिलिट्री कूप होते रहते हैं, मिलिट्री का शासन चलता रहता है, सरकारों को नहीं पता होता है, कोई किसी को जेल में डाल दे रहा है, कोई देश छोड़ के भाग रहा है, कोई देश को लूट के चला गया, कोई कुछ चीज़ बेच के चला गया, और इन्हीं सिविल वॉर्स के चक्कर में लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को नहीं पता, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं, कई सारे विलेजेज ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को आज भी नहीं पता क्या इंटरनेट होता है, क्या कैसे लोग रहते हैं, वो उस कंडीशन में रह रहे हैं आज भी अगर देखा जाए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। जबकि मैंने आपको बताया पूरी दुनिया के डायमंड और सोने की जो खाने हैं वो 40% अकेले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। तो ये जो आपस में लोग लड़ते रहते हैं, जो सिविल वॉर की सिचुएशन वहाँ पे 24 आवर चलती रहती है, आज भी अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे तो आज भी कम से कम 10 देश ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनमें हाल ही में भी सिविल वॉर जैसी कंडीशन होगी। तो इन सब हालातों में रिचनेस कहाँ से आएगी? अमीरी का तो मतलब ही नहीं बनता। तो अमीर जितने भी देश हैं अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो उन अमीरों के देश के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो ये सिविल वॉर जैसी कंडीशंस नहीं होती हैं। दुनिया लड़ रही है आपस में, झगड़ रही है और वॉर जैसी कंडीशन है, लेकिन उन सब से उलट यहाँ के जो सिविल वॉर है, जो जनता आपस में लड़ रही है, उसकी वजह से ये कभी भी अमीर ना हो पाए हैं। और आने वाले बहुत सालों तक अगर आज भी अगर इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो तो भी पता नहीं कितने सैकड़ों साल लगेंगे इनको उस लेवल तक आने में जिस लेवल पर बाकी की दुनिया है आज खड़ी है। उसके बाद अगर बात करें जो फाइनल एक और वजह आती है, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब जब ये सब चीज़ें नहीं हैं, सरकारों का ध्यान नहीं है, लूट खसोट मची हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हेल्थ और एजुकेशन पे कोई खर्चा नहीं होता है। कितनी सारी कंट्रीज़ हैं जो स्पॉन्सर करती हैं WHO के तहत कि भाई यहाँ पे बच्चों को ये टीके मिल जाएँ, ये चीज़ मिल जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मर जाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, कुपोषण का शिकार, पोषण नहीं मिल पाता, इंसान मर जाते हैं, महिलाएं मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? भरपेट खाना ही नहीं है, बच्चों को जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, अगर बीमार हो जाए तो टीके नहीं है, अगर किसी कोई गंभीर बीमारी तो हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई इनका एक्सपेंशन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि सारा पैसा पॉलिटिकल लीडर्स जो कुछ समय के लिए आए हैं उनको अपनी जेब में भरना है, और जब किसी लीडर को अपनी जेब भरनी है तो पैसा जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगेगा, रोड नहीं बनेंगे, हेल्थ सेक्टर पर काम नहीं होगा। और ये सब चीज़ें केवल तब हो सकती जब एजुकेशन हो, और गाइज एजुकेशन ही जब नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इतना बंटाधार एजुकेशन है, मैं आपको बताऊं, अगर किसी कॉन्टिनेंट को आप जाके देखोगे आपको पता लगेगा कि 50% पॉपुलेशन लिखना पढ़ना ही नहीं जानती है।
मतलब उनके पास वो एजुकेशन भी नहीं है कि वो एक सेंटेंस पढ़ सके या अपने साइन जो है वो इंग्लिश में कर सके। तो आप क्या ही अज्यूम करोगे, क्या इमेजिन करोगे कि कैसा उनका हाल होगा। और ये सब चीज़ों का इलाज एजुकेशन ही है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं गाइस, जिनको आप देखोगे उन्होंने अपने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत जो है वो स्पेंड करते हैं। इटली के अंदर आप चले जाओ, आप रशिया के अंदर चले जाओ, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा, हेल्दी होगा, तो देश के लिए कुछ ना कुछ कर लेगा। यहाँ पे लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग किसी ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो क्या हेल्थ और क्या एजुकेशन। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोक के रखा हुआ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से। और जो भी यहाँ पे आता है इनको लूटने के लिए या इनके ऊपर राज करने के लिए, वो उस कुछ भी चीज़ अफ्रीका की जो आम जनता है उनको नहीं मिल पाती है। और उसी वजह से ये लोग आज तक पिस रहे हैं और इतने सैकड़ों साल इनको पिसते पिसते हो चुके, और भगवान जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी और ये पूरा हाल है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को ऐसा और बहुत सारा कॉन्टेंट देखने के लिए एजुकेशनल मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।